इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के तत्वावधान में समकालीन न्यायिक प्रक्रिया चुनौतियां और समाधान विषय पर के गोष्ठी का आयोजन दीवानी न्यायालय के सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक देवेंद्र सिंह के अलावा आईएलए के राज्य सचिव सुरेश चंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव वाईएस लोहित, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, महामंत्री प्रियानंद सिंह सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। गोष्ठी में वक्ताओं ने समकालीन न्यायिक प्रक्रिया चुनौतियां और समाधान विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। बौद्धिक जगत में प्रवाहित करने का जो कार्य इस संगठन ने किया है उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। समान व्यवस्था कैसी है? आप जानते हैं कि जनपद स्तर पे जिसे हम न्याय व्यवस्था का मेरुदंड कह सकते हैं वो दीवानी न्यायालय है। यहाँ मूल क्षेत्राधिकार इस दीवानी न्यायालय में निहित है। जो समाज का अंतिम आदमी है, गरीब व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, वह सब न्याय पाने की आकांक्षा से इस न्यायिक प्रतिष्ठान में आते हैं और हम जो इस न्यायिक प्रक्रिया में अपना अवदान करते हैं, एक सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, एक न्याय के संवाहक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, वह ये अधिवक्ता समाज है। जनपद स्तर पे जो न्याय की व्यवस्था है उसमें आप अवगत हैं कि एक राजस्व न्यायालय है जो जमीनों से संबंधित मामले, नामांतरण से संबंधित मामले और उन जमीनों की पैमाइश से संबंधित मामले उसके बारे में निस्तारण करती है। और यह दीवानी न्यायालय जो आबादी के मामले हैं, मकानों के मामले हैं, उसके साथ साथ जिस किसी के भी सिविल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, आपके दीवानी अधिकारों का हनन हो रहा है, आप दीवानी न्यायालय में अपने जो आपके ग्रीवांस है उसके रिड्रेसल के लिए आ सकते हैं।